स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक से एनवायरनमेंट का, दैट इज अर्थ गंगा। तो अर्थ गंगा का जो कॉन्सेप्ट है, ये हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी, उन्होंने बेसिकली नेशनल क्लीन मिशन फॉर क्लीन गंगा है उसके रिस्पेक्ट में दिया था। और अभी रिसेंटली जैसे कि आप जानते हो अमृत महोत्सव चल रहा है, 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, तो वहाँ पे बहुत सारे इनिशिएटिव अर्थ गंगा ये जो कॉन्सेप्ट है इसके लिए लॉन्च किए गए थे। अब ये अर्थ गंगा जाने से पहले थोड़ा बेसिक कवर कर लेते हैं कि नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है क्या। सो यहाँ पे आप देखोगे नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा जो है ये एक वर्ल्ड बैंक फंडेड सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, जो कि मिनिस्ट्री और जल शक्ति जो है वो इसको टेक केयर कर रहा है। आइडिया ये है कि जो गंगा रिवर है जिसे हम नेशनल रिवर बोल रहे हैं, उसके अंदर पॉल्यूशन का कम करना है, कंजर्वेशन और रिजुवेनेशन को इंश्योर करना है, ठीक है, गंगा रिवर के लिए। अभी ये सेकेंड फेज के अंदर चल रहा है। 2020 जून 2020 में इसका सेकेंड फेज शुरू हुआ था, और वहां पे हमें वर्ल्ड बैंक से इसके लिए 400 मिलियन US डॉलर्स का लोन मिला था, जो कि 5 साल के लिए रहेगा, यानी दिसंबर 2026 के लिए। तो याद रखना वर्ल्ड बैंक इसमें हमारी हेल्प कर रहा है। अब इसमें पांच स्ट्रक्चर है जो अपने को पता होना चाहिए। ये पांच स्ट्रक्चर क्या है? पहला है नेशनल गंगा काउंसिल। अब इसको हेड कौन करते हैं, ठीक है, तो यूपीएससी में प्री के अंदर ऐसे आपको कंफ्यूज कर सकते हैं कि जल शक्ति मिनिस्टर हेड कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल्स को ध्यान में रखना है। नेशनल गंगा काउंसिल जो है उसको हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर। एम्पावर्ड टास्क फोर्स होती है उसको हेड करते हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति, ठीक है। अभी कौन है यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति? गजेंद्र सिंह शेखावत। करेक्ट। तो थोड़े बेसिक बेसिक डिटेल्स भी कभी कभी पता होने चाहिए। नेक्स्ट नेशनल मिशन ऑन क्लीन गंगा है, ठीक है, और फिर स्टेट गंगा कमिटीज, और फिर उसके नीचे जो नेक्स्ट है आके में स्ट्रक्चर आता है वो है डिस्ट्रिक्ट गंगा कमेटी, ठीक है। तो ये पांच टीयर स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, इसमें से तीन तो ये हम बोल सकते हैं बॉडीज हो गई, जो नेशनल गंगा काउंसिल हो गई जिसके अंदर सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी बोल सकते हैं, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो है इसके अंदर नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, और एम्पावर्ड टास्क फोर्स जो कि जल शक्ति मिनिस्टर हेड करे वो है, ठीक है। इसके कंपोनेंट्स और भी हैं, जैसे गंगा टास्क फोर्स, मतलब स्पेसिफिकली हम लोग एक ह्यूमन रिसोर्स को तैयार करेंगे जो कि लोगों को अवेयर करेगा कि कैसे गंगा का रिजुनेशन और कंजर्वेशन करना है। फिर गंगा पहरीज, ठीक है, तो पहरीज वही ग्रास रूट लेवल पे एक वर्क फोर्स होगी। अगेन गंगा का कैसे कंजर्वेशन करना है, बिकॉज गंगा अगर आप देखोगे तो इंडिया की लाइफलाइन कह सकते हैं, क्योंकि पूरा जो लार्जेस्ट पार्ट है इंडिया की पॉपुलेशन का वो नॉर्थ इंडिया में रह रहा है, और नॉर्थ इंडिया में उसको सस्टेन जो कर रहा है वो गंगा रिवर ही कर रही है, ठीक है। तो कोई बता सकता है गंगा कितने स्टेट से फ्लो करती है? सर मैप उत्तराखंड, कर सकते हैं ना, फिर उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल। यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, और फिर सर झारखंड भी है। राइट। तो ये थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए, बेसिक से क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार ना, झारखंड में से बहुत छोटा उसका एरिया है, तो कई बार लोग कंफ्यूज, मतलब याद नहीं रहता उनको कि वो झारखंड से भी जा रही है, ठीक है, तो ये जरूर याद रखना। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके अंदर अचीवमेंट अब तक क्या हुई है, तो देखो कोई भी नदी या कोई भी ऐसा हम बोल सकते हैं कि ना लेक वगैरह, कोई भी वाटर बॉडी है उसमें अगर पॉल्यूशन नापना होता है तो दो इंडिकेटर होते हैं, एक तो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है और एक बीओडी होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो कोई बता सकता है क्या होता है ये कॉन्सेप्ट, व्हाट इज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड? बीओडी होता है सर, जो डिजॉल्व ऑक्सीजन चाहिए होता है वाटर ऑर्गेनिजम्स को सरवाइव करने के लिए। केमिकल होता है सर, पानी कितना एब्जॉर्ब कर लेता है नेचुरली वाटर। हाँ मतलब थोड़ा सा ये इस सेंस में डिफरेंट होता है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड मतलब कि उसके अंदर कितना ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है, और वो ऑर्गेनिक मैटर जो है वो उसको डिग्रेड होने के लिए कितना ऑक्सीजन का डिमांड पड़ेगा, ठीक है। जैसे अब क्या है कि आपने सपोज कोई ब्रेड का टुकड़ा खाया और आपने वो ब्रेड का टुकड़ा पानी में फेंक दिया, तो वो भी एक तरीके से ऑर्गेनिक मैटर है, उसको डिकम्पोज होने में कितना ऑक्सीजन चाहिए होगा वो बीओडी बताता है, यानी जितना ज्यादा हाई बीओडी होगा उतना ज्यादा पॉल्यूटेंट होगा, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, जितना ज्यादा हाई बीओडी उतना ज्यादा पॉल्यूटेड वो वाटर है। तो अभी अचीवमेंट ये हुआ है कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो हम देख रहे हैं उत्तराखंड और बिहार के अंदर इट इज बिलो 3 मिलीग्राम्स पर लीटर, ठीक है, विच फॉल्स इन अनपॉल्यूटेड कैटेगरी, ठीक है। तो ये अच्छी चीज हुई है। और फिर बहुत सारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए गए हैं,
तो उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रख लेना कि कुछ अचीवमेंट्स हमने इसके अंदर देखे। अब आते हैं जो कॉन्सेप्ट जिसकी हम बात करते हैं, अर्थ गंगा की। सो अर्थ गंगा जो कॉन्सेप्ट है, ये जैसे पहले हमने बात किया था, प्राइम मिनिस्टर ने दिया था ड्यूरिंग द नेशनल गंगा काउंसिल मीटिंग इन कानपुर इन 2019। तो अभी हमारा फोकस जो था वो क्लीन गंगा से अर्थ गंगा बनाने के ऊपर है, ठीक है। अभी तक हम सिर्फ क्लीन गंगा देख रहे थे कि सिर्फ कंजर्वेशन की तरफ एफर्ट था, लेकिन अब हम कह रहे हैं कि क्लीन गंगा से आगे एक स्टेप जाने की जरूरत है। अब गंगा का इकोनॉमिक इंटीग्रेशन या इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करने की जरूरत है, ठीक है, या गंगा से लोगों का इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसकी तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, ठीक है। सो इट फोकसेस ऑन क्रिएटिंग इकोनॉमिक लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी टू सस्टेन एक्टिविटीज अंडर द नमामि गंगे प्रोग्राम। अब इसके अंदर कुछ इनिशिएटिव लॉन्च किए गए हैं, वो देख लेते हैं। पहला है जलज, ठीक है। तो जलज जो है वो अगर आप हिंदी में देखोगे तो ये प्रायवाची है वाटर का, ठीक है, पानी को एक प्राइवेसी या सिनोनिम है पानी का। तो जलज ये जो इनिशिएटिव है, दिस इज लॉन्च एट 26 लोकेशन ऑन गंगा बेसिन मेन स्टेम। तो इसमें क्या आइडिया है कि छोटी छोटी स्मॉल शॉप्स या फ्लोटिंग मोबाइल सेंटर्स खोले जाएं, जहाँ पे गंगा रिवर के आसपास लोग अपना इकोनॉमिक जो सस्टेनेबिलिटी है उसको इंश्योर कर सके या कोई इकोनॉमिक लाइवलीहुड बना सके। नेक्स्ट, MOU साइन बिटवीन NMCG नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा एंड सहकार भारती। सहकार का मतलब कोऑपरेटिव, ठीक है। तो कोऑपरेटिव के साथ हम लोग साइन किया है, इसका मतलब ये है कि हम ऐसे 75 विलेजेस को आइडेंटिफाई करेंगे और वहां पे सहकार गंगा ग्राम का कॉन्सेप्ट लेके आएंगे। सहकार गंगा ग्राम क्या है कि फार्मर्स को कोऑपरेटिव्स में बनाए या फिर फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन में इकट्ठा करें और फिर उन्हें ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ लेके जाए, और ऑर्गेनिक फार्मिंग से जो प्रोड्यूस निकलेगा, जो भी सपोज एग्रीकल्चर या कुछ भी अगर ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उसको एक ब्रांड के अंदर मार्केट किया जाएगा, इसको बोलेंगे ब्रांड गंगा, ठीक है। तो ये अपने को पता होना चाहिए। नेक्स्ट, टूरिज्म फैसिलिटी है, इसके लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया, आई एम अवतार, ठीक है। तो गंगा के अराउंड आप देख सकते हो बहुत सारे टूरिज्म एक्टिविटी किया जा सकता है, जैसे रिवर राफ्टिंग का हो गया, ठीक है। जैसे हम उत्तराखंड के अंदर कई जगह रिवर राफ्टिंग होती है, ऑल्दो वो इलीगली हो रही थी अब तक, लेकिन हाँ उसको लीगलाइज कर सकते हैं और वहां पे इंश्योर कर सकते हैं कि सेफ तरीके से वो सब एक्टिविटीज हो, ठीक है। वाटर स्पोर्ट इंश्योर कर सकते हैं और भी बहुत सारी एक्टिविटीज हम लोग कर सकते हैं टूरिज्म बढ़ाने के लिए। तो इसके लिए आई एम अवतार पोर्टल लॉन्च किया गया। अभी कुछ वर्टिकल्स देख लेते हैं, अर्थ गंगा के क्या इंपॉर्टेंट पिलर्स है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, आंसर राइटिंग में कोशिश करना जितने ज्यादा पिलर्स हो सके उतने आप लिखो। पहला है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, तो ये बताने की जरूरत ही नहीं है, ये तो ऑर्गेनिक फार्मिंग से लिंक डेडी रखिए। इसके अंदर कॉन्सेप्ट ये है कि जो गंगा रिवर का जो बैंक है, ठीक है, उसके जो किनारे हैं उसके 10 किलोमीटर तक हम लोग केवल ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे। आइडिया ये है ऑर्गेनिक फार्मिंग करने से कि कोई भी जो पॉल्यूटेंट जैसे फर्टिलाइजर या इंसेक्टिसाइड पहले इस्तेमाल हो रहे थे वो डायरेक्टली रिवर में ना गिरे और उससे जो इकोलॉजिकल बैलेंस था उस रिवर का वो खराब ना हो, जैसे फिशेस वगैरह जो थी वो मर जाती थी उन इंसेक्टिसाइड या फर्टिलाइजर से, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए 10 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है वहां पे दोनों साइड में ऑर्गेनिक फार्मिंग होगी। नेक्स्ट, मोनेटाइजेशन एंड रीयूज ऑफ स्लज एंड वेस्ट वाटर, ठीक है, जो भी पानी खराब हो जा रहा है उसको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में ट्रीट करके और उस पानी को वापस रीयूज करेंगे, तो इस तरीके से मोनेटाइजेशन हो रहा है वेस्ट वाटर का। नेक्स्ट, लाइवलीहुड जनरेशन, तो इसमें हमने देख ही लिया ये जलज स्कीम हो गया, ठीक है, इसके अंडर घाट में हाथ एक स्कीम है हाट, ठीक है, जहाँ पे लोकल जो भी प्रोडक्ट्स होंगे उस प्लेस के वो सेल किए जाएंगे, ठीक है, तो इस तरह लाइवलीहुड जनरेशन होगा। फिर है पब्लिक पार्टिसिपेशन, तो अल्टीमेटली ये रिवर तभी क्लीन कर रह सकती है जब तक लोग इसमें पार्टिसिपेट वॉलेंट्री नहीं करते, ठीक है, अगर वो खुद वॉलेंट्री करने लगेंगे तभी जाके ये रिवर क्लीन रह पाएगी, अदरवाइज उतना इफेक्टिव नहीं होगा। तो इसे जन आंदोलन बनाने की जरूरत है, इसलिए पब्लिक पार्टिसिपेशन इज नीडेड। नेक्स्ट, कल्चरल हेरिटेज एंड टूरिज्म, तो आप जानते हो बहुत सारे इंपॉर्टेंट यहाँ पे गंगा रिवर के किनारे जो है रिलीजियस या स्पिरिचुअल प्लेसेस है, जस्ट टू नेम अ फ्यू, जैसे बनारस हो गया, इलाहाबाद हो गया, ठीक है, फिर उत्तराखंड में आप देखोगे हरिद्वार इसके किनारे है, तो ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट सिटीज जो है वो इसके किनारे बसी हुई है। नेक्स्ट, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग, तो लोकल लेवल पे जो कैपेसिटी डेवलपमेंट है उसको करना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग बेटर डिसेंट्रलाइज्ड वाटर गवर्नेंस कर पाएंगे। सो ये थे 6 वर्टिकल अर्थ
गंगा के जो अपने को याद होने चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब सिग्निफिकेंस क्या है, तो सिग्निफिकेंस जो हमने ऊपर पॉइंट देखे थे उन्हीं को आप इलैबोरेट कर सकते हो, आई डोंट थिंक इसमें अलग से कोई चीज देखने की जरूरत है। बस इसमें ये याद रखना कि एक तो डबलिंग फार्मर इनकम की तरफ भी आइडिया है, क्योंकि तो हम देख रहे हैं कि हम लोग फार्मर्स के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग का तो कॉन्सेप्ट लाए हैं, ब्रांड गंगा नाम का एक ब्रांड भी लेके आए हैं जिसके अंदर वो अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकेंगे, साथ ही साथ वाटर के थ्रू जो मूवमेंट है उनके प्रोड्यूस का वो भी कर सकेंगे। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट, वो यहाँ पे इस्तेमाल होगा ताकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो और फार्मर की इनकम जो है डबल हो। ठीक है, सो ये सब कॉन्सेप्ट आई थिंक क्लियर हो गए होंगे। अब ये की इनिशिएटिव काफी पुराना हो गया, बट थोड़ा सा ब्रीफली देख लो। रिवर गंगा को लेके हमारा गवर्नमेंट का इनिशिएटिव जो है 1985 में स्टार्ट हुआ, गैप नाम से, गंगा एक्शन प्लान। तो ये काफी लिमिटेड था, स्कोप भी इसके अंदर काफी चीजों का लिमिटेड था, अभी बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है। तो ये याद रखना, गंगा एक्शन प्लान 1985 में आया, ये फर्स्ट था। फिर 1993 में गंगा एक्शन प्लान 2 आया। ठीक है, और इसके अंदर गंगा की जो सहायक नदियां हैं या जिन्हें हम ट्रिब्यूटरीज कहते हैं, जैसे कि यमुना, गोमती, दामोदर, महानंदा, इन सब को भी हमने इंक्लूड कर लिया। नेक्स्ट था नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान 1995 के अंदर। तो इसके अंदर गंगा की बहुत सारी बेसिन और कंट्री की 41 मेजर रिवर्स को इंक्लूड किया गया। ठीक है, फिर 2009 में एक डेडिकेटेड अथॉरिटी एस्टैब्लिश की गई थी कॉल्ड नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी। ठीक है, अभी ये जो बॉडी है ये सब्जियों हो गई है नेशनल गंगा मिशन के अंदर या नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा उसके अंदर। ठीक है, सो अभी 2015 में हमने ये नमामि गंगे मिशन लॉन्च किया था, इसमें पूरा बेसिन अप्रोच ले रहे हैं हम लोग, इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशन है और सारी ट्रिब्यूटरीज इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, सो बाकी हमने देख लिया नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के बारे में। अब पोटेंशियल बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं, तो टूरिस्ट एक्टिविटी में हेल्प करेगा प्रमोट करने में, स्पेशली जो डोमेस्टिक टूरिज्म है जो कि लोग आते ही हैं, बिकॉज यहाँ पे जो स्पिरिचुअल या जो रिलीजियस सेंटिमेंट है वो जुड़े हैं यहाँ पे इन रीजन्स के अंदर। अब जब टूरिस्ट एक्टिविटी बढ़ेगी या टूरिज्म एक्टिविटीज को हम लोग और बूस्ट करेंगे तो हो सकता है फॉरेन टूरिस्ट भी यहाँ पे लार्ज स्केल में आने लगे। नेक्स्ट, लिमिटेड अवेयरनेस ऑफ नॉलेज है, तो उस चीज को एड्रेस करना है। एक जब भी हम गंगा या जो हिमालयन स्टेट है उनके बारे में बात करते हैं तो अपने को एक चीज पता होना चाहिए, कैरिंग कैपेसिटी। कोई बता सकते कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है? दैट बायोडायवर्सिटी इट कैन सपोर्ट, मतलब कितना वो जो है वो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी है या जितनी भी बायोडायवर्सिटी उसको सपोर्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो हिमालयन स्टेट में यही हो रहा है कि जैसे जैसे टूरिज्म एक्टिविटी का राइज हो रहा है तो हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पे डेवलपमेंट हो रहा है, रोड्स नई नई बन रही है और वो जो रोड्स बन रही है वो अनकंसोलिडेटेड माउंटेन्स पे बन रही है। मतलब अगर आप उसको कंपेयर करोगे वेस्टर्न घाट से जो उत्तराखंड में हिमालय है तो वो काफी लूज अनकंसोलिडेटेड मटेरियल का बना है, इसीलिए आप लार्ज स्केल पे लैंडस्लाइड देखते हो हर साल, आप देखते हो कुछ ना कुछ रोड का हिस्सा जो है वो टूट के गिर जा रहा है। तो क्यों हो रहा है? क्योंकि कैरिंग कैपेसिटी से ऊपर हम लोग उसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, सब ऑप्टिमल परफॉर्मेंस है हमारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की, यानी जितना एक्चुअली वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है उतना हम लोग ट्रीट कर ही नहीं पा रहे हैं, वो एक इशू है। नेक्स्ट, रीयूजिंग इम्प्रॉपरली ट्रीटेड वेस्ट वाटर फॉर इरिगेशन कैन लीड टू लीचिंग ऑफ कंटामिनेंट्स। तो मतलब ये पॉइंट जुड़ा हुआ है कि अगर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से हम लोग सही से साफ ही नहीं कर पा रहे हैं पानी को या वेस्ट वाटर को, तो फिर उसको इरिगेशन में अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो वो लीच कर सकता है और वो कंटेमिनेंट जो हमारे फूड साइकिल में एंटर कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अंदर फिर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग से जुड़े इश्यूज भी लिख सकते हो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में प्रोड्यूस जो है वो कम होता है। ठीक है, एग्रीकल्चर आउटपुट कम होता है जिसकी वजह से फार्मर का जो इनकम है वो रिड्यूस होता है। साथ ही साथ हम देखते हैं धीरे धीरे, जैसे अगर हम बात करें कि पेस्ट अटैक से काफी ज्यादा वो इफेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सब इश्यूज हैं, प्लस लेबर इंटेंसिव भी है ऑर्गेनिक फार्मिंग, या जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग जो है बहुत ज्यादा लेबर इंटेंसिव भी है, तो ये पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, वे फॉरवर्ड। तो पहला, लो एमिशन टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, प्रॉपर डिस्पोजेबल वेस्ट हैबिट होनी चाहिए, उनको प्रमोट करने की जरूरत है। नेशनल पॉलिसी बनाने की जरूरत है ट्रीटेड वाटर के ऊपर। ठीक है, ताकि
एक नेशनल बेंचमार्क बन जाए. नेक्स्ट, रेज करने की जरूरत है अवेयरनेस अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थ गंगा और इसको जन आंदोलन बनाने की जरूरत है. और लास्टली, इन्वेस्टिंग इन एनहेंसिंग कैपेसिटी एंड परफॉर्मेंस ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स. ठीक है, तो यही था इसके अंदर, अर्थ गंगा के अंदर. किसी को कुछ और ऐड करना है इसमें? ठीक है, आगे चलते फिर. न्यू रामसर साइट, धर्मपाल सर, आई थिंक आपका था ये पार्ट. थैंक यू सर. गुड इवनिंग सबको. आज हम अभी रामसर साइट्स के बारे में बात करेंगे, जो 26 न्यू रामसर साइट्स इंडिया में इंक्लूड की गई है. तो ये रामसर कन्वेंशन के तहत आती हैं, जिसमें हम वेटलैंड्स को इंक्लूड करते हैं ताकि उनका इफेक्टिव कंजर्वेशन हो सके. थोड़ा सा वेटलैंड्स के बारे में जानते हैं पहले. बारिश हो रही है और वो जमीन पे गिरी तो पानी गायब हो जाता है. आजकल तो खैर नहीं होता क्योंकि इतनी सारी रोड्स और कॉन्क्रीटाइजेशन हो चुका है सिटीज में, पर वैसे नॉर्मली बात करें गांव साइड में देखे या जंगल साइड में, तो पानी नीचे धरती में एब्जॉर्ब हो जाता है. पानी जब बारिश होती है या कोई भी पानी बह रहा होता है, तो वो धरती की भी एक कैपेसिटी है पानी को एब्जॉर्ब करने की. जब वो कैपेसिटी पूरी हो जाती है उसको बोलते हैं हम सैचुरेशन. तो आपने पानी डाला और धरती ने एब्जॉर्ब कर लिया. एक पॉइंट ऐसा आएगा जब वो अर्थ बिल्कुल पानी एब्जॉर्ब कर नहीं पाएगी, तो पानी ऊपर फ्लडेड वाटर सा दिखेगा, मतलब आपको तालाब या झील सा कुछ, तो उसको बोलते हैं खड़ा पानी, स्टैंडिंग वाटर. तो उस एरिया को बोलते हैं वेटलैंड. हम तो वेटलैंड बहुत तरीके से बन सकते हैं. आपने डैम बना दिया और पानी खड़ा है वहां पे, रिजर्वायर बन गया, या फिर नेचुरली बन जाते हैं अर्थ की टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से, या फिर बहुत पुराने जमाने में राजा महाराजा जमीन खुदवा देते थे पानी इकट्ठा करने के लिए. आप गांव साइड जाओगे तो आप देखोगे कि एक तालाब जरूर होता है किसी ना किसी गांव में, उसके अराउंड ही लोग अपने जानवरों को नहलाते हैं या फिर वहां से ही पानी विड्रॉ करते हैं खेत में इरिगेशन के लिए. तो ये सारी चीजें वेटलैंड होती हैं. अब इनका थोड़ी स्टडी करें हम कि इनकी सिग्निफिकेंस क्या होती है वेटलैंड्स की. तो ये कार्बन सिंक होते हैं बहुत बड़े. जब भी कोई पेड़ गल जाता है या जानवर मर जाता है, अगर वो वेटलैंड में पड़ा हुआ है तो वो नीचे धंसता जाएगा दलदल में, और उसके डिकम्पोजिशन से जो गैसेस निकलेंगी वो उस वेटलैंड में ही ट्रैप हो जाती है. तो ऐसे एरिया को हम पीटलैंड बोलते हैं. तो आपको जान के हैरानी होगी, जितने भी आप जंगल लगा रहे हो उससे 2 गुना ज्यादा कार्बन एब्जॉर्ब कर सकते हैं ये वेटलैंड्स. उसके बाद जहां पानी होता है वहां जिंदगी होती है. तो ये वेटलैंड्स जो हैबिटेट और बायोडाइवर्सिटी का भी केंद्र है एक तरीके से. फिर जो भी अभी मैंने बताया था कि पानी एब्जॉर्ब नहीं होता, ज्यादातर पानी खड़ा रह जाता है सिटीज में रोड्स की वजह से और कॉन्क्रीट पेमेंट्स की वजह से. तो बेंगलोर का एग्जांपल लेते हैं. अभी हम रिसेंटली बेंगलोर में इतनी सारी बारिश हुई और पानी बिल्कुल एब्जॉर्ब नहीं हो पाया था, मतलब पानी बिल्कुल खड़ा था वहां पे. तो बेंगलोर में एक लेक है बेलंदूर लेक, उसमें उसका रिस्टोरेशन हुआ था. ये एक बहुत अच्छी की स्टडी, आप इसको स्टडी करोगे तो अर्बन एरियाज में कैसे लेक्स के काम, लेक्स के ऊपर अच्छा वर्क करने से वहां पे सिटीज, तो जिसके रिस्टोरेशन से सिटी को पानी तो मिला ही मिला और पानी सोख भी हुआ वहां पे. तो जो बेलंदूर लेक है वो बेंगलोर में ओवरफ्लो करने लगी थी, इसलिए इतना सारा पानी हम देख रहे थे रोड्स पे और बंदे लिटरली बोटिंग करके जाने लग रहे थे एक जगह से दूसरी जगह पे. तो जो वेटलैंड्स है वो शॉक एब्जॉर्बर्स होते हैं आपके फ्लड्स के अगेंस्ट, या फिर टाइडल कोस्टल एरिया में जाए तो हाई टाइड्स के अगेंस्ट, और ये इरोजन भी प्रिवेंट करते हैं. अब नेचुरली ये वाटर के रिजर्वायर होते हैं, बहुत सारा पानी होता है, तो ये ड्राउट्स को भी डिले कर देते हैं कि भाई जहाँ जहाँ पे पानी कम हो रहा है तो वहां से पानी अंडरग्राउंड रिजर्वायर के थ्रू ड्राई एरियाज में चला जाए. फिर नेक्स्ट हम देखते हैं बहुत सारी कहानियां और लेजेंड्स एसोसिएटेड होती है आपके किसी एरिया के वेटलैंड से, तो इनकी कल्चरल और रिक्रिएशनल वैल्यू भी है. फिर आपने राजस्थान में गुजरात में देखा होगा बहुत सारी सॉल्ट लेक्स होती हैं. फिर राजस्थान में जो अपना इंडियन प्लेट और एशियन प्लेट के बीच में जो ओशन था टैथिस सी, जब वो रिसीड हुआ तो अपना इधर की साइड से हुआ था वेस्टर्न इंडिया की साइड से, तो उसका रिजल्ट ये हुआ कि अपना राजस्थान में थार डेजर्ट बन गया और एक सर क्रीक बन गया गुजरात की, गुजरात और पाकिस्तान के बॉर्डर की साइड. तो इकोनॉमिक वैल्यू ये है इन वेटलैंड्स की जो भी राजस्थान या गुजरात में है, कि वहां से बहुत सारा सॉल्ट निकलता है.
भाई काफी ज्यादा मल्टी डायमेंशनल वैल्यू है वेटलैंड्स की इन्वायरमेंट और इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव के वजह से, तो इनका जाहिर सी बात है कि इनका कंजर्वेशन बनता है भाई, हमें डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं ये। इसके रिगार्डिंग वर्ल्ड कम्युनिटी ने एक रामसर कन्वेंशन अडॉप्ट किया था। एक बस एडिशन ये करना है कि प्रीलिम्स 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि किडनीज ऑफ द अर्थ किसको बोलते हैं, तो आई थिंक उसमें ये मैंग्रोव्स के बारे में था। हाँ तो वो ऐसा आया था, देख लेना। तो वर्ल्ड कम्युनिटी इकट्ठा हुई और 1971 में इन्होंने रामसर कन्वेंशन अडॉप्ट किया। तो रामसर एक जगह का नाम है ईरान में, उसके ऊपर इसका ट्रीटी का नाम पड़ा। तो ये इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है जो कि आपको फ्रेमवर्क देती है कंजर्वेशन करने के लिए वेटलैंड्स का, और उनका वाइज यूज करें आप वेटलैंड्स का। वाइज यूज से क्या मतलब है कि भाई आप उसका इकोलॉजिकल कैरेक्टर, जो उसका मूल भाव है, आप उसको चेंज नहीं कर रहे कि भाई वेटलैंड है तो उसको वेटलैंड ही रहने दो, उसके ऊपर एनरोचमेंट मत करो, लेक का साइज आप छोटा मत करो जबरदस्ती उसके ऊपर एनरोचमेंट करने से, ठीक है। तो इंडिया भी एक पार्टी है भाई रामसर कन्वेंशन की, उसके तहत ही हमने 26 न्यू रामसर साइट्स ऐड किए हैं अभी अपनी लिस्ट में। तो अभी टोटल 75 रामसर साइट्स हैं इंडिया में। जो ये रामसर कन्वेंशन है इसके साथ ही 5 बॉडीज और है जो उसके पार्टनर्स हैं। तो ये 5 बॉडीज का नाम है वाइल्ड लाइफ इंटरनेशनल, IUCN, IWMI, वेटलैंड इंटरनेशनल, और एक WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। एक क्राइटेरिया दिया हुआ है भाई रामसर साइट्स को ऐड करने के लिए, तो नो क्राइटेरिया होते हैं ये, उस चीज पे है बेसिकली कि कितना वल्नरेबल है वो जगह, या फिर वो एंडेंजर्ड स्पीशीज को सपोर्ट करता है या नहीं, या फिर अगर मोर देन 20,000 बर्ड्स उस एरिया में आते हैं या नहीं। एक ये प्रीलिम्स के रिगार्डिंग एक फैक्ट है यहाँ पे लेफ्ट साइड में कि इंडिया में नेचुरल रामसर साइट्स ज्यादा है कंपेयर टू आर्टिफिशियल रामसर साइट्स। नेचुरल वेटलैंड्स एरिया इज अप्रोक्सीमेटली टू टू टाइम्स इन इंडिया। यस सर। अब इंडिया में हम वजह देखते हैं कि भाई रामसर ये वेटलैंड्स इंडिया में थ्रेटेंड क्यों है। तो सर थोड़ा नीचे स्क्रॉल कीजिए आप। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, ऑल्टरेशन ऑफ नेचुरल हाइड्रोलॉजिकल रिजीम्स। भाई कहीं पे भी पानी है, या तो वो ग्राउंड वाटर में हो सकता है या रिवर में या फिर कोस्टल एरियाज में, आपने उस पानी के साथ कुछ भी छेड़छाड़ की, हद से ज्यादा कर दी, तो आपका वेटलैंड या फिर जो भी है पानी की हाइड्रोलॉजिकल साइकिल वो चेंज हो जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कैचमेंट एरिया रिवर का आपने एनरोच कर लिया तो रिवर का साइज छोटा हो जाएगा, जो कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द रिवर चैनल है वो रिड्यूस हो जाएगी, या फिर आपने ग्राउंड से कुछ ज्यादा ही पानी निकाल दिया तो ग्राउंड वाटर सैलिनाइजेशन हो जाएगा। इसके रिगार्डिंग एक केस स्टडी है भाई पंजाब में। पंजाब में जो मलबा प्लेन्स है सदर्न पंजाब, वहां पे आप देखेंगे जाके तो कैंसर के रेट्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि ग्राउंड वाटर का इतना ज्यादा एक्सप्लोइटेशन हुआ है पंजाब में, जिससे कि उसमें जो ग्राउंड वाटर में नेचुरल यूरेनियम मिलता है उसकी कंसेंट्रेशन बढ़ गई है, तो उसकी वजह से वहां पे लोगों को कैंसर होने लग रहा है। इतने गंभीर कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं अगर हम पानी की साइकिल या पानी के रिजिम के साथ कोई छेड़छाड़ करें। नेक्स्ट है आपका पॉल्यूशन, एग्रीकल्चर या फिर अर्बन एरिया से कुछ भी रन ऑफ हो तो, और आपने उसको अनट्रीटेड वाटर बॉडीज में छोड़ा, तो उधर की जो नेचुरल इकोसिस्टम है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगी, उसकी वजह से ये थ्रेट होगा एक वेटलैंड को। नेक्स्ट हम देखते हैं इनवेसिव स्पीशीज, जैसे कि वाटर है सिंथिया सेल्विनिया या आइपोमिया या ऑल्टरनेम थारा, जो भी है। अगर इनवेसिव स्पीशीज किसी भी जगह पे आती है तो वो नेचुरल इकोसिस्टम में जो बैलेंस होता है उसको डिस्टर्ब कर देती है, जिससे कि वेटलैंड को नुकसान हो सकता है। फिर एक एंथ्रोपोजेनिक कॉज ये है कि अनसस्टेनेबल हार्वेस्टिंग ऑफ वेटलैंड रिसोर्सेज सच एज वुड्स, फिश, वाटर एंड सैंड एक्सेट्रा। तो एंथ्रोपोजेनिक कॉज तो भाई हर जगह आ जाता है, उसके अंडर ये है कि टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे सर बता रहे थे अभी गंगा के अराउंड सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए जो कि नेचर और मैन की नीड्स को हारमोनी में लेके चले। उसके बाद क्लाइमेट चेंज है एक वेटलैंड्स को थ्रेट। जो कोस्टल वेटलैंड्स है वो राइजिंग सी लेवल की वजह से थ्रेटेंड है भाई। तो वेटलैंड्स के रिगार्डिंग इंडिया में कंजर्वेशन के रिगार्डिंग कुछ स्टेप्स हैं।
2017 wetland conservation and management rules to conserve aquatic ecosystems through implementation of sustainable conservation plans. नेक्स्ट है एक सेंटर बनाया गया है सेंटर फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, तो ये रिसर्च और स्टडी पर्पसेस के लिए। उसके बाद एक प्लान है नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम्स, जिसमें कि वेटलैंड या वेटलैंड के अराउंड कुछ एरियाज हो उनमें एनरोचमेंट या फिर सॉलिड वेस्ट वगैरह के रिगार्डिंग उन पे पाबंदी लगाई गई है। नेक्स्ट अपना जो भी हमने पढ़ा था गंगा के रिगार्डिंग, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, और फिर कुछ रेगुलेशन एक्ट्स हैं जैसे कि वाटर रेगुलेशन एक्ट है और एक कोस्टल रेगुलेशन एक्ट जो हमने कल पढ़ा था। वे फॉरवर्ड में चलते हैं, अभी हम वे फॉरवर्ड हमारे ही रहेगा, हमने पॉइंट्स हाईलाइट करने होंगे कि वेटलैंड इंपॉर्टेंट क्यों है, उसके अराउंड ही हमारे वे पॉइंट्स होंगे कि भाई अपना जो मैन की नीड्स है देर इज There is enough for every man's need, but not for greed. वही वाला सर कि तो developing holistic and standardized protocols for monitoring restoration of degraded wetlands. Wetland के restoration के लिए हमें mainly तो community स्तर पे ये effort होगी, ना कि government स्तर पे। government की तरफ से funds आ सकते हैं, पर जो एक बार आपने wetland को restore कर दिया तो उसका देखरेख का काम जो है वो या तो वो गांव वाले करे या फिर आपका म्यूनिसिपैलिटी वाले करे, तो यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट्स का बहुत ही अहम रोल आ जाता है। बस यही था भाई। हाँ एक सेकेंड सर, इसमें आई थिंक एक तो डेफिनेशन देख लेना, डेफिनेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये रामसर का ये वाला डेफिनेशन कि एज पर रामसर कन्वेंशन वेटलैंड इंक्लूड एरियाज ऑफ मार्श पैन पीटलैंड वाटर वेदर नेचुरल या आर्टिफिशियल, जैसे सर ने बोला नेचुरल या आर्टिफिशियल दोनों ही आ जाएंगी, टेम्प्रेरी या परमानेंट। ठीक है, हो सकता है कि वो बारिश के समय में ही उसमें पानी होता हो, बाकी समय वो सूखी रहती हो तो भी चलेगा, परमानेंट या टेम्प्रेरी। फिर विद वाटर दैट इज स्टैटिक और फ्लोइंग फ्रेश और ब्रैकिश और सॉल्ट इंक्लूडिंग एरियाज ऑफ मराइन वाटर, मराइन मतलब के जो सी वाटर हो गया या ओशन वाटर हो गया उस एरिया तक को भी इंक्लूडेड किया जा सकता है, प्रोवाइडेड दैट इट सेटिस्फाई वन कंडीशन, और वो कंडीशन क्या है, द डेप्थ ऑफ द वाटर एट लो टाइड लेवल शुड नॉट एक्सीड 6 meters। ठीक है, लो टाइड लाइन आपको पता ही है, लो टाइड लाइन मतलब कि नॉर्मल जो टाइड आती है उससे कम टाइड आई है, तो तब जो हमारा जो वाटर का लेवल रहता है उस रीजन में वो 6 meters से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तब हम उसको क्लासिफाई करेंगे एज अ वेटलैंड। ठीक है, और ये रामसर साइट का डेफिनेशन है। रामसर के अंदर एक और कॉन्सेप्ट होता है कॉल्ड मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड, कोई बता सकता है इंडिया में कौन कौन सी साइट मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में अभी? ठीक है, तब तक अब सोच लो, मैं बता देता हूँ मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड है क्या। तो ऐसी रामसर साइट जहां पे बहुत लार्ज स्केल पे या बहुत हाई वल्नरेबिलिटी है या थ्रेट है, जिसकी वजह से उसका कैरेक्टर चेंज हो सकता है, मतलब वो शायद वेटलैंड सस्टेनेबल ही ना रहे, तब उसको हम मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में रखते हैं ताकि उसके ऊपर ज्यादा फोकस देने की जरूरत है। तो इंडिया के अंदर 2 साइट्स है मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में, एक है लोकतक लेक, लोकेशन बता दो कोई, करेक्ट मणिपुर है, और एक है केवला देव, इसका क्या लोकेशन है? राजस्थान। राजस्थान करेक्ट, तो ये 2 पता होने से ये इम्पोर्टेंट है मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में। ठीक है, आगे चलते हैं। CDR आई थिंक मेरा, हाँ बोलो बोलिए। राइट, सो CDRA कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, सो इंडिया साइंड हेडक्वार्टर एग्रीमेंट विद CDRA, देर बाय अकॉर्डिंग द स्टेटस ऑफ एन इंडिपेंडेंट एंड इंटरनेशनल लीगल एंटिटी टू CDRA। सो वी नो CDRA इज एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म बाय नेशंस, 31 नेशंस, 6 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड 2 प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस, सो दीज आर द पार्ट ऑफ दीज आर पार्ट ऑफ CDRA। So right now CDRA is getting international legal personality status. ठीक है, so इसके लिए India has signed an headquarter agreement with CDRA.
So this will enable CDRI to pursue functions internationally with all rights, immunities and privileges as per United Nations Privileges and Immunities Act 1947. So ye CDRI ek like koi bhi organization formed by different nations. तो या तो वो डिफरेंट नेशंस का एक्सटेंशन हो जाती है या फिर अपना अलग सेपरेट एंटिटी भी हो सकता है. सो नाउ सीडीआरए विद दिस हेडक्वार्टर एग्रीमेंट इट हैज गॉट दिस इंटरनेशनल लीगल पर्सनालिटी स्टेटस. सो इसके वजह से सीडीआरए को राइट्स मिलेगा, इम्यूनिटी मिलेगी, प्रिविलेजेस मिलेगा एज पर यूनाइटेड नेशंस प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज एक्ट 1947. So India enacted UN Privileges Act 1947 to give effect to Convention on Privileges and Immunities of United Nations adopted by UNGA in 1946, right? Then international legal personality refers to entities endowed with rights and obligations under public international law. These include states, international organizations, NGOs. मतलब वही एक लीगल एंटिटी बन जाएगा, ये सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाएगा, ना कि एक्सटेंशन ऑफ दोज नेशंस. सो उसके वजह से सीडीआरआई विल बी गेटिंग राइट्स एंड इट विल हैव ऑब्लिगेशंस अंडर पब्लिक इंटरनेशनल लॉ. इट विल हेल्प सीडीआरआई टू डिप्लॉय फंड्स एंड एक्सपर्ट्स ग्लोबली एंड रिसीव फंड्स और ब्रिंग एक्सपर्ट्स फ्रॉम मेंबर कंट्रीज टू अचीव इट्स कमिटमेंट्स फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर. फिर हेडक्वार्टर एग्रीमेंट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड होस्ट स्टेट. तो सीडीआरआई है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड होस्ट स्टेट इज इंडिया टू डिटरमिन द प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज नेसेसरी फॉर इट्स गुड फंक्शनिंग, राइट? सो सीडीआरआई क्या है? इट्स अ ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ नेशनल गवर्नमेंट्स, यूएन एजेंसीज एंड प्रोग्राम्स, प्राइवेट सेक्टर एंड एकेडमिक एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस. लॉन्च्ड इन 2019 बाय इंडियन प्राइम मिनिस्टर at UN Climate Action Summit in New York. Its aim is to promote resilience of infrastructure system to climate and disaster risk, thereby enabling sustainable development. Isme 31 countries, 6 international organizations and 2 private sector organizations hai. So this it will work with work at intersection of Sendai framework and Paris agreement. So Sendai framework and Paris agreement se collaborate karke work karega CDRA. Right? Anything, any doubts in this or anything to be added in this? हाँ, इसमें देखो, एक तो इंडिया लेड इनिशिएटिव है, इसलिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है. इंटरनेशनल लेवल पे अगर आप देखोगे तो इंडिया लेड दो ही इनिशिएटिव पढ़ते हो, एक तो ये सीडीआरआई पढ़ते हो और एक आईएसए पढ़ते हो, इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस. तो दोनों को थोड़ा सा अच्छे से देख लेना, बिकॉज दीज आर इंडिया लेड इनिशिएटिव. एंड रिसेंटली इंडिया ने सीडीआरआई के अंदर ही एक नया चीज लॉन्च किया है कॉल्ड IRIS. ये है इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलिएंट आइलैंड स्टेट. ठीक है, जो स्मॉल आइलैंड स्टेट्स हैं, ठीक है, स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट, उनके लिए एक रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की जरूरत है. तो ये अगेन इंडिया लेड इनिशिएटिव है सीडीआरआई के अंदर भी. तो ये भी अभी रिसेंटली न्यूज में था, तो इसको भी ध्यान रखना. हाँ मैम, कंटिन्यू. Right. So next one is Har Ghar Jal. Goa, Dadra Nagar Haveli and Daman and Diu becomes first Har Ghar Jal certified state and UT. So ye flagship program hai Jal Jeevan Mission implemented by Jal Jeevan Mission under Ministry of Jal Shakti, and this is in partnership with states to ensure tap water, 100% tap water connection in every rural household by 2024. Iska components ye hai ki 55 liters per capita per day. This is the target of Jal Jeevan Mission. So to ensure tap water connection, ye iska target kab tak hai? 2024 tak. So isse pehle 17% tha tap water connections before Jal Jeevan Mission. Right now, it has come up to 52% rural households in India are now having tap water connection, right? Then JJM also implements source sustainability measures as mandatory elements. So, वही source sustainability important है JJM के under, and or like these are the components of JJM. एक है source sustainability, फिर grey water management,
फिर वाटर कंजर्वेशन एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, लाइक वेन एवर वी हैव टू राइट अबाउट जेजेएम कीवर्ड्स हैं सोर्स सस्टेनेबिलिटी, ग्रे वाटर मैनेजमेंट, वाटर कंजर्वेशन एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग. फिर रिफॉर्म्स अंडर जेजेएम तो फोकस शिफ्ट हुआ हैबिटेशन टू हाउस होल्ड्स, देन कम्युनिटी ओनरशिप, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी ऑफ वाटर सप्लाई स्कीम्स. सो कम्युनिटी ओनरशिप जैसे पंचायत्स एंड ऑल दे आर यू नो दे हैव टू बी पार्टिसिपेटिंग, एंड स्पेशल फोकस ऑन चिल्ड्रन, पाइप्ड वाटर सप्लाई इन स्कूल्स, आंगनवाड़ी सेंटर्स एंड आश्रम शालास. सो दिस इज फॉर स्पेशल फोकस ऑन चिल्ड्रन. देन सेंट्रल रोल ऑफ विमेन एंड वीकर सेक्शंस इन मैनेजिंग वाटर सप्लाई. फिर टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, लाइक डेडिकेटेड डैशबोर्ड, जियो टैगिंग ऑफ एसेट्स क्रिएटेड अंडर जेजेएम. सो ये रिफॉर्म्स अंडर जेजेएम है, राइट? सो हाँ, एंड ये कम्युनिटी ओनरशिप हमने पढ़ा ना. सो लाइक बेसिकली द विलेज पंचायत्स हैव टू बी पार्टिसिपेटिंग. एक एक और चीज है श्रमदान करके, सो यू कैन बी पार्ट ऑफ द मिशन बाय यू नो डूइंग श्रमदान एंड ऑल दीज थिंग्स. सो देन नेक्स्ट इज प्रोसेस ऑफ हर घर जल सर्टिफिकेशन. फर्स्ट इन हर घर जल सर्टिफिकेशन फील्ड इंजीनियर विल सबमिट अ कंप्लीशन सर्टिफिकेट रिगार्डिंग वाटर सप्लाई स्कीम टू द पंचायत. सो पहले लाइक पाइपलाइंस लगाए जाएंगे एंड ऑल दीज थिंग्स. सो देन द फील्ड इंजीनियर विल सबमिट अ कंप्लीशन सर्टिफिकेट टू द पंचायत ड्यूरिंग द ग्राम सभा मीटिंग. उसके बाद विलेजेस विल कन्फर्म थ्रू अ रेजोल्यूशन ऑफ द ग्राम सभा that every household is getting regular supply of water, right? So here villages will make in Gram Sabha, they'll make sure no house is left out. So this is about Har Ghar Jal. Anything to be added here? हाँ, इसमें एक mandated volume of water provide कराना है. तो कोई बता सकता है कितना है वो water जो provide कराना है? 55 liters. 55. 55 लीटर पर कैपिटा पर हाउस होल्ड. ठीक है, मतलब हर इंसान को मिलना चाहिए और हर दिन मिलना चाहिए. ठीक है, तो ये वाला देख लेना. और माइंड यू, ये वाला जो स्कीम हमने पढ़ा कि 2024 तक एवरी रूरल हाउस होल्ड, ठीक है, तो डिटेल यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि सिर्फ रूरल के लिए. कई बार आपको ना वो एमसीक्यूज के अंदर क्वेश्चन में ऐसा कंफ्यूज कर देगा अर्बन बोल के. ठीक है, तो याद रखना सिर्फ रूरल के लिए, अर्बन के लिए अभी तक ऐसा कोई स्कीम लॉन्च नहीं हुआ है. बस आई थिंक यही था. और किसी को ऐड करना है क्या? ठीक है, आगे चलते मैम. राइट, देन सेंटर नोटिफाइज इंडियाज 31st एलिफेंट रिजर्व. तो न्यू रिजर्व हैज बीन नोटिफाइड एज अगस्त्यमलाई एलिफेंट रिजर्व. एरिया है 1197 स्क्वायर किलोमीटर इन कन्याकुमारी एंड तिरुनेलवेली इन तमिलनाडु. इंडियन एलिफेंट और एलिफास मैक्सिमस इज फाउंड इन सेंट्रल एंड सदर्न वेस्टर्न घाट्स, सेंट्रल एंड सदर्न वेस्टर्न घाट्स, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ईस्टर्न इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया एंड इन सम पार्ट्स ऑफ सदर्न पेनिनसुलर इंडिया. नॉर्दर्न इंडिया में कोई स्टेट्स बता सकते हैं क्या? उत्तराखंड में मिलते हैं, कॉर्बेट पार्क में. राइट राइट, सो दीज आर द एरियाज वेयर एलिफेंट्स आर फाउंड, सेंट्रल सदर्न वेस्टर्न घाट्स एंड नॉर्थ ईस्ट, ईस्टर्न इंडिया, नॉर्थ इंडिया एंड सम पार्ट्स ऑफ सदर्न पेनिनसुलर इंडिया. सो इट इज इंक्लूडेड इन शेड्यूल वन ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 एंड इन अपेंडिक्स वन ऑफ साइट्स. IUCN स्टेटस है एंडेंजर्ड एंड लास्ट सेंस काउंट हुआ 2017 में एंड अकॉर्डिंग टू दैट 29,964 एलिफेंट्स आर फाउंड एंड हाईएस्ट इज इन कर्नाटका एंड देन फॉलोड बाय असम एंड केरला. ठीक है, कर्नाटका, फिर असम, फिर केरला. देन थ्रेट्स क्या है? मैन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट, हैबिटेट लॉस, फ्रेगमेंटेशन एंड फ्रेगमेंटेशन, पोचिंग, लॉस ऑफ जेनेटिक वायबिलिटी resulting from small population size and isolation. Initiatives kya hai? Project Elephant in 1992 and
Government provides technical and financial help to states to save elephants here and development of elephant reserves, monitoring the illegal killings of elephants, Mike. So Project Elephant, Mike, and Elephant Reserves. These three are the initiatives taken by India and international effort for conservation of elephants in Asia and Africa. Right. Anything to be added here? Prelims 2020 May, there was a question. Okay. Which has the highest number of elephants with state? Right. Okay. Should we move to the next one then? Okay. Moving on. National Water Awards. So Ministry of Jal Shakti has launched fourth NWA on Rashtriya Puraskar portal. NWs were introduced to recognize and encourage exemplary work and efforts by states. So in accomplishing government's vision of Jal Samriddhi Bharat, it aims to sensitize the public about importance of water and motivates them to adopt best water usage practices. Award winners in different categories will be presented with citation, trophy and cash prizes. Important. So ye fourth national awards hai bas, and by Ministry of Jal Shakti. Moving on, ozone layer. US National Oceanic and Atmospheric Administration. So this is US institution, National Oceanic and Atmospheric Administration. So this found that ozone depleting substances in the mid-latitude stratosphere in 2022 are back to those observed in 1980s. So this is a significant increase in ozone depleting substances. Then NOAA's ozone depleting gas index. So it tracks the overall stratospheric concentration of ozone depleting chlorine and bromine from long-lived ODSs, and relative to its peak concentration. So 1990s is the base. So from there on, how much of ozone depleting substances, chlorine and bromine has increased? I think, ma'am, iske andar na ye लोअर लेवल पे है ये कहना चाह रहा है बिकॉज ODS जो था वो 1990s के अंदर पीक में था, उससे पहले कम था, तो इट इज बैक टू दैट लेवल. तो ये आई थिंक ये कहना चाह रहा है यहाँ पे. ओके, माय बैड, आई एम सॉरी, आई रेड इट रॉन्ग देन, सॉरी गाइस, सॉरी. राइट राइट. सो हाँ, so that means like Sanjay sir said, it has significantly reduced, not increased. And so basically ozone is a highly reactive molecule formed of three oxygen atoms, found primarily in two regions of the atmosphere, that is stratosphere and troposphere, right? 90% of Earth's ozone resides in stratosphere and troposphere layer closest to Earth's surface. Ozone absorbs UV rays and protects all biological systems from harmful UV rays. And ozone concentration is commonly measured through, ye important hai, Dobson unit. Yaad rakhne wali cheez hai, they might ask you. So ozone concentration is measured in Dobson unit, right? Then about ozone depleting substances, long-lived man-made chemicals which destroy protective ozone layer. Then iske liye what have... पहले वियना कन्वेंशन था, उसके बाद आया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन सब्सटेंसेस दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर 1987. ठीक है, एंड दिस रेगुलेट्स द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ ओडीएस सच एज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हैलॉन्स, मिथाइल ब्रोमाइड एंड ब्रोमोक्लोरोमीथेन. एंड यूजेस ऑफ ओडीएस कहाँ पे, रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर्स, ये सब हमें पता है, फायर एक्सटिंग्विशर्स. So ODP, what is ODP? That is ozone depleting potential. So ODSs have high ODP and is a measure of how much damage a chemical can cause to the ozone layer compared with a similar mass of. Ye thoda definition yaad rakh sakte hain. So ODP is measure of how much damage a chemical can cause to the ozone layer compared with similar mass of trichlorofluoromethane, CFC level, right? Anything to be added here? ऐसा ही एक सिमिलर हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल होता है, उसमें कोई बता सकते हैं रेफरेंस गैस क्या होती है? ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, GWP. सर, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2. करेक्ट, CO2 उसमें रेफरेंस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड. यहाँ पे ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल में हमारे CFC एक बेंचमार्क है. ठीक है, तो ये थोड़ा याद रखना है. अभी जैसे मैम ने बोला कि ओजोन अगर स्ट्रेटोस्फीयर में है तो हमारे लिए बेनिफिशियल है क्योंकि वो हमें प्रोटेक्ट करता है,
फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेज, लेकिन अगर ओजोन जो है वो ट्रोपोस्फेयर में है तो इट विल बी कंसिडर्ड एज अ पोल्यूटेंट, ठीक है? तो ये याद रखना, ट्रोपोस्फेयर में तो है तो इट इज अ पोल्यूटेंट, और इसकी वजह से स्मॉग क्रिएट हो सकता है अगर ये ट्रोपोस्फेयर में है। इस स्मॉग को क्या बोलते हैं, जो कि जहाँ पे वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपको देखने को मिलते हैं, कॉमनली उसका क्या नाम होता है? फोटोकेमिकल स्मॉग। हाँ, फोटोकेमिकल बोलते हैं, और एक और नाम भी हम लोग इसको बोलते हैं। हाँ ठीक है, तो एक और इसका नाम जो है वो हम लॉस एंजलिस स्मॉग भी बोलते हैं इसको, ठीक है? सो आगे चलते हैं, 5.87। तो यह है पीईआर या पॉली फ्लोरो एल्काइल सब्सटेंसेस के ऊपर, ठीक है? तो अभी न्यू रिसर्च आई है, उसमें ये पता चलता है कि रेन वाटर जो है दैट इज कंटेमिनेटेड विद दीज पॉल्यूटेंट्स। अब ये जो पॉल्यूटेंट्स है ये आ कहाँ से रहे हैं? तो दीज पॉल्यूटेंट्स आर कमिंग फ्रॉम आर हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि नॉन स्टिक कुकवेयर हो गया, बेकवेयर हो गया, फायर फाइटिंग फोम्स जो होते हैं, या जो फायर रिटार्डेंट फोम्स होते हैं उनके अंदर भी ये इस टाइप के क्लोरिनेटेड या ब्रोमिनेटेड सब्सटेंसेस यूज करते हैं वो लोग। नेक्स्ट, वाटर एंड ऑयल प्रूफ अपैरल, स्टेन रेजिस्टेंट अपोल्स्ट्री कार्पेट एक्सेट्रा, फूड पैकेजिंग, बायोसाइड्स एक्सेट्रा, ठीक है? तो बहुत सारी जगह ये केमिकल कंपाउंड है जो हम यूज कर रहे हैं, और दीज फर्दर दीज केमिकल्स आर पार्शियली और कंप्लीटली फ्लोरिनेटेड, ठीक है? तो ये फ्लोरीन और ये क्लोरीन ब्रोमीन जो है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, ठीक है? और इन्हीं की वजह से पोल्यूशन भी फैलता है, और ये लंबे समय तक एनवायरनमेंट में डिग्रेड नहीं होते हैं, जिसके चलते एक लॉन्ग स्टैंडिंग पोल्यूटेंट बन जाते हैं, ठीक है? हमारे पास एक कन्वेंशन है जो कि स्पेसिफिकली डील करता है विद ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड्स, ठीक है? तो कोई कन्वेंशन का नाम बता सकते हैं जिसके अंदर इन वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को या ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स को खत्म करने की बात की जाती है? सर स्टॉकहोम कन्वेंशन। करेक्ट, स्टॉकहोम सर कन्वेंशन है। वैसे तो और भी है, जैसे बेसल कोई बोल रहा था, रॉटरडैम बोल रहा था, लेकिन वो स्पेसिफिकली ऑर्गेनिक के लिए नहीं है, मतलब वो एक ब्रॉड बेस्ड है, लेकिन यहाँ पे हम स्पेसिफिकली बात करें ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट की, तो इसके लिए शब्द इस्तेमाल होता है पीओपी, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, ठीक है? याद रखना ये स्टॉकहोम से रिलेटेड है। तो यहाँ पे ये ऑर्गेनिक मतलब कि कार्बन चेन है, और उसमें ये फ्लोरीन ब्रोमीन इस टाइप के एडेड है उसके अंदर, तो ये लंबे समय तक डिग्रेड नहीं होते हैं, और इसीलिए ये हमारे बॉडी के अंदर आ जाते हैं, बिकॉज इकोसिस्टम में ये लंबे समय तक रहते हैं, तो हो सकता है प्लांट्स इनको सक कर ले सॉइल से, ठीक है? या कोई एनिमल जो है वो इनको कंज्यूम कर ले, और फिर उस एनिमल को ह्यूमन कंज्यूम कर ले, ठीक है? तो इस प्रोसेस को हम लोग एनवायरमेंट में या इकोलॉजी में पढ़ते हैं, तो इसको हम बोलते हैं बायो एक्यूमुलेशन, ठीक है? एक और प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम देखते हैं कि जैसे जैसे फूड चेन में ऊपर हम जाते हैं, ये जो पॉल्यूटेंट्स है इनका कंसेंट्रेशन बढ़ता जाता है, तो इसको इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? बायो बायो मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन। करेक्ट, बायो मैग्निफिकेशन है, तो दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। नेक्स्ट, हाई एक्सपोजर लीड्स टू हेल्थ रिस्क, तो बताने की जरूरत नहीं क्या क्या हेल्थ रिस्क हो सकते हैं, आप खुद ही लिख सकते हो। डिक्रीज फर्टिलिटी है, डेवलपमेंट इफेक्ट्स है, हार्मोन इम्बेलेंस क्रिएट कर सकता है, लिवर डैमेज, किडनी डैमेज, ये सब चीजें कर सकता है। नेक्स्ट, इट इज डिफिकल्ट टू कैप्चर एंड डिस्ट्रॉय, और क्योंकि एनवायरनमेंट में एक बार ये फैल गया तो फिर उसको वापस रिट्रीव करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है? वो एक इशू है। सो यही था इसके अंदर, ये देख लेना पीईआर और पॉली फ्लोरो एल्काइल सब्सटेंसेस के बारे में। ऐसे जो भी रिसेंट कंपाउंड्स या केमिकल्स रहते हैं यूपीएससी उनके बारे में पूछ लेता है, जैसे आई गेस 2021 या 2020 के अंदर भी कुछ इस टाइप का ही कोई सवाल पूछा था पीएफए के ऊपर, ठीक है? तो देख लेना ऐसे केमिकल्स पूछ लेता है। आगे चलते हैं, ला नीना, थर्ड टाइम ये जो है हम देख रहे हैं कि ला नीना कंटिन्यूसली चल रहा है, और ऐसा ये सिक्स्थ इवेंट है, तो इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है इस चीज को, ये हमारे काम का नहीं है, हमारे लिए जनरली ये पता होना चाहिए ला नीना क्या होता है, ठीक है? तो ला नीना और अल नीनो दो कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं। अल नीनो का मतलब होता है लिटिल बॉय, और ला नीना का मतलब होता है लिटिल गर्ल। तो ये एक वेदर पैटर्न है जो पैसिफिक ओशन में प्रोमिनेंटली देखने को मिलते हैं, ठीक है? और ला नीना के अंदर स्पेसिफिकली बात करें तो जो सी सरफेस टेम्परेचर होता है, जो ईस्टर्न इक्विटोरियल पैसिफिक ओशन है, वहां पर जो ओशन टेम्परेचर है वो कंपैरेटिवली कोल्डर हो जाता है देन
नॉर्मल, ठीक है। तो यहाँ पे जो रीजन है ईस्टर्न इक्वेटोरियल पैसिफिक का, वहां से एक कोल्ड वाटर करंट रन होता है, कोई उसका नाम बता सकता है क्या? उस कोल्ड वाटर करंट को क्या बोलते हैं? काफी फेमस करंट है वो, सर पेरू करंट। हाँ, पेरू भी बोलते हैं और हम्बोल्ट भी बोलते हैं, सही बोला, ठीक है। तो ये नाम थोड़ा सा पता होना चाहिए, हम्बोल्ट स्पेलिंग में शायद एच ई है। एनीवेज, तो ये कोल्ड वाटर करंट रन होता है, और जब लानीना के ईयर होता है तो ये कोल्ड वाटर करंट की वजह से और ठंडा हो जाता है। वहीं अलनीनो के अंदर उल्टा हो जाता है, अलनीनो में ये कोल्ड वाटर यहाँ पे हॉट वाटर बन जाता है, जिसकी वजह से जो वेस्टर्न कोस्ट है साउदर्न अमेरिका का, जैसे पेरू चाइल वगैरह, तो यहाँ पे अच्छी बारिश होती है, लेकिन इंडिया में अच्छी बारिश नहीं होती है। वहीं लानीना होता है तो ये पेरू चाइल ये जो कंट्रीज है यहाँ पे ड्रॉट पड़ता है, और इंडिया ऑस्ट्रेलिया में अच्छी बारिश होती है, ठीक है। तो लानीना इज कंपेरेटिवली फेवरेबल टू इंडिया एज कम्पेयर टू अलनीनो। ऐसा वैसे कोई थ्योरेटिकल प्रूफ नहीं है कि हर बार अलनीनो आएगा तो इंडिया में रेनफॉल खराब होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब जब अलनीनो होता है तो हमारा मानसून थोड़ा कम खराब, मतलब कम अच्छा होता है या कम ज्यादा खराब होता है, ठीक है। तो उस डिग्री में वो वेरी करता है, लेकिन ऐसा कोई मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है। सो ये जब दोनों फिनोमेना जो होते हैं ये ऑल्टरनेटिंग सेंस में होते हैं, यानी कभी अलनीनो होगा तो फिर नेक्स्ट ईयर अल लानीना होगा, ठीक है। तो ऐसे आपस में चेंज होते रहते हैं, और ये कोल्ड वाटर और वार्म वाटर का जो फेज है इसी को हम बोलते हैं अल अल नेसो या एनसो, विच इज अल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन, ठीक है। सो ये आपको पता होना चाहिए। इम्पैक्ट अगर हम बात करें लानीना का, तो बेटर मानसून होता है इंडिया के अंदर, इंटेंस हरिकेन एक्टिविटी देखने को मिलती है, ड्रॉट देखने को मिलता है वेस्टर्न कोस्ट ऑफ लैटिन अमेरिका या साउथ अमेरिका, जहाँ पे पेरू चाइल वगैरह कंट्रीज रहते होते हैं, तो वहां पे ड्रॉट देखने को मिलता है, ठीक है। सो यहाँ आप फिगर के थ्रू समझ सकते हो, ये जो लानीना वाला जो कंडीशन है यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे इंडिया पे अच्छा मानसून होता है, और अलनीनो के केस में अच्छा रेनफॉल जो है ये नहीं होता है। आई थिंक शायद थोड़ा डायग्राम उल्टा ऊपर नीचे कर दिया इन लोगों ने, बट एनीवेज ये याद रख लेना है, इतना ही था इसमें। कुछ ऐड करना है किसी को अलनीनो या लानीना में? ठीक है, आगे चलते हैं। आर्टिक एम्पलीफिकेशन, सो आर्टिक एम्पलीफिकेशन बेसिकली कि आर्टिक जो रीजन है वहां पे हम लोग देख रहे हैं बाकी रीजन में जो ग्लोबल वार्मिंग का असर हो रहा है वो यहाँ पे कुछ ज्यादा ही एम्पलीफाइड हो रहा है, यानी यहाँ पे जो आइस है वो बहुत तेजी से मेल्ट हो रही है, और यहाँ पे हीटिंग जो है ये इट इज राइजिंग 4 times एज फास्ट एज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जिसकी वजह से जो बाकी आइस शीट है वो भी तेजी से डिजोल्व हो रही है। और आपको पता होगा एल्बिडो एक कॉन्सेप्ट होता है, या एल्बिडो एक कॉन्सेप्ट होता है। एल्बिडो क्या है? बिना एनर्जी को एब्जॉर्ब किए या बिना सनलाइट को एब्जॉर्ब किए डायरेक्टली हम लोगों ने रिफ्लेक्ट कर दिया, इसको हम बोलते हैं एल्बिडो, ठीक है। क्या आते ही आपने डिफ्लेक्ट कर दिया, तो एल्बिडो का जो कॉन्सेप्ट होता है उसके थ्रू हम लोग देखते हैं कि जो इंसुलेशन था वो कम हो जाता है, ठीक है, क्योंकि हमने एनर्जी ली नहीं और डायरेक्टली रिलीज कर दी वापस सन की तरफ या एटमोसफेयर से बाहर। तो अब आइस जैसे जैसे रिड्यूस होगी तो ये एल्बिडो जो है ये कम होगा, और एल्बिडो कम होगा तो हीटिंग उतनी ही तेजी से बढ़ेगी, यानी ऑलरेडी ग्लोबल वार्मिंग पूरे वर्ल्ड के अक्रॉस जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको बढ़ा रही है, उसकी वजह से आइस मेल्ट हो रही है, और आइस मेल्ट होने से ये प्रोसेस और फास्ट होगा, ठीक है। तो आप समझ रहे हो एक लूप चल गया है जिसके अंदर आर्टिक के अंदर जो आइस है उसका जो डिप्लेशन है और फास्ट हो रहा है। सो दिस इज नथिंग बट आर्टिक एम्पलीफिकेशन। इसके इम्पैक्ट क्या पड़ेंगे? एक तो पोलर बेयर या बायोडाइवर्सिटी आप इन जनरल बोल सकते हो वो लॉस होगा, या आप बोल सकते हो एक्सटिंक्शन ऑफ एनिमल्स लाइक पोलर बेयर्स, व्हेल, सील्स, ये सब होगा। न्यू सी ट्रेड रूट्स खुलेंगे जो कि अच्छी बात है, ठीक है, मतलब इकोनॉमिकली ये चीज अच्छी चीज है कि नए नए सी ट्रेड रूट्स खुलेंगे, बहुत सारे मिनरल रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शन हो पाएगा। लेकिन नेगेटिव इम्पैक्ट में और बात करें तो सी लेवल राइज हो जाएगा, ठीक है, तो ये एक हमारे लिए खराब चीज होगा, तो ये अपने को पता होना चाहिए। नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग थर्मल इमिशन वेलोसिटी एनहेंसमेंट। तो ये बहुत ज्यादा टेक्निकल चीज है, इतना कोई काम का है नहीं, थोड़ा सा ऊपर से देख लेते हैं। तो ये एक अरोरा जैसा फिनोमेना होता है, तो अरोरा आपको जैसे पता ही है दो टाइप के होते हैं, नॉर्थ की टाइप, नॉर्थ की साइड आप जाते हो तो हम बोलते हैं अरोरा बोरियालिस,
ठीक है, बोरियालिस जो हम बोरियल टाइप का जो पढ़ते हैं क्लाइमेट, उसके नाम से पढ़ा है, तो याद रख लेना। अरोरा बोरियालिस नॉर्थ पोल की तरफ आप देखते हो, और अरोरा ऑस्ट्रियालिस आप सदर्न पोल की साइड देखते हो। और दोनों पोल की साइड क्यों देखने को मिलता है आपको? क्योंकि आपको पता है अर्थ का एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ऐसे ऐसे। तो यहाँ पे हम बोलते हैं एक वैन एलन बेल्ट होता है, ठीक है। वैन एलन बेल्ट सन से आने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है या जो सोलर फ्लेयर्स है उनको डिफ्लेक्ट कर देता है, और वो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड में आके मूव करने लगते हैं, तो वो सब जो पोल्स होते हैं उनकी तरफ आते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ। इसीलिए यहाँ पे अगर आप कभी इमेजेस वगैरह देखोगे तो आपको पता लगेगा कि यहाँ बहुत अच्छी लाइट का फिनोमेना होता है, मतलब अलग अलग टाइप की कलर की लाइट जल रही होती है, ब्लू ग्रीन आसमान के अंदर। इसी फिनोमेना को हम अरोरा फिनोमेना बोलते हैं, ठीक है। सो इसमें इतना ही याद रखने वाला है कि ये अरोरा जैसा सिमिलर फिनोमेना है जहाँ पे आपको पर्पल स्ट्रीक ऑफ लाइट देखने को मिल रही है, ठीक है, और ये हाई एल्टीट्यूड के ऊपर होता है, ठीक है। इतना ही याद रखने लायक है इसके अंदर, और कुछ नहीं है। आगे चलते हैं जोम्बी आइस। तो जोम्बी आइस का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली अभी हम लोग ग्रीन लैंड का जो रीजन है वहां पे ये देख रहे हैं। तो यहाँ पे ग्रीन लैंड का जो रीजन है इसमें हम लोग देख रहे हैं कि कुछ आइस के जो रीजन है वो मेन जो आइस शेल्फ है उससे तो डिटैच हो गए हैं, और उनकी वजह से उनको जो फ्रेश आइस थी वो नहीं मिल रही है, ठीक है। तो ये जोम्बी आइस धीरे धीरे मेल्ट होंगे, और मेल्ट होने के बाद ये रिप्लेनिश नहीं हो पाएंगे, क्योंकि रिप्लेनिश होने के लिए इनको फ्रेश वाटर का सप्लाई चाहिए था जो कि इन्हें मेन आइस शीट से मिलता है, जो कि इन्हें नहीं मिल रहा है। तो इसकी वजह से सी लेवल का जो राइज है वो हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हमने ये रीजन देखा ग्रीन लैंड, तो कोई बता सकता है ग्रीन लैंड कौन सी कंट्री के अंडर आता है? डेनमार्क, डेनमार्क, हाँ करेक्ट। तो ये पता होना चाहिए ग्रीन लैंड जो है वो डेनमार्क के अंदर है। आगे चलते हैं टोंगा वोल्केनो। तो अभी टोंगा जो है ये आप जो पैसिफिक ओशन है ऑस्ट्रेलिया के आसपास, ठीक है, वहां पे ये बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज हैं, ठीक है। वहां पे आप सुनते हो टोंगा के बारे में। तो यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन हुआ, और इसकी वजह से ऐसा अंदाजा है साइंटिस्ट का कि ग्लोबल वार्मिंग जो है बढ़ जाएगी, ठीक है, और डिप्लीट करेगा अर्थ की ओजोन लेयर को। अभी हमने पढ़ा ओजोन लेयर जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर में है, तो अब आप समझ सकते हो कि इससे जो निकला जो पॉल्यूटेंट है या जो पायरोक्लास्टिक डेब्रिस है वो कितना ऊपर तक गया कि वो स्ट्रेटोस्फेयर तक पहुंच गया। सो जनरली अगर हम बात करें वोल्केनिक इरप्शंस का एक कूलिंग इफेक्ट होता है, बिकॉज इससे बहुत सारे पार्टिकल्स निकलते हैं और वो अर्थ के ऊपर जो आने वाला इंसुलेशन है उसको रोक देते हैं, या जो सन का जो रेडिएशन है उसको रोक देते हैं। इनफैक्ट ऐसा माना जाता है कि अर्थ ने जो आइस एज एक्सपीरियंस करी है कई बार, ठीक है, हम आई थिंक 3 आइस एजेस पढ़ते हैं, तो उनमें से एक आइस एज माना जाता है कि जायंट वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से होता है, क्योंकि उसकी वजह से पूरा अर्थ का एटमोसफेयर जो है वो कवर हो गया था विद डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है। सो यहाँ पे ये जो टोंगा में वोल्केनिक इरप्शन हुआ इसकी वजह से भी माना जा रहा है कि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है H2O जिसको हम जानते हैं वो स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर स्प्रेड हो जाएंगे, और जो वाटर वेपर है H2O जिसको हम जानते हैं ये एक ग्लोबल वार्मिंग एजेंट हो सकता है, ठीक है। जैसे आपने फील भी किया होगा, जब भी उमस होती है तो आपको गर्मी थोड़ी ज्यादा लगती है, ठीक है, उमस मतलब ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है तो गर्मी भी ज्यादा लगती है। तो रीजन यही है कि हाइड ये वाटर मॉलिक्यूल जो है ये भी ट्रैप कर लेते हैं इनकमिंग सोलर रेडिएशन को, ठीक है, यानी उसको जाने नहीं देते बाहर। सो यही था विद रिगार्ड्स टू टोंगा वोल्केनो। किसी को कुछ और ऐड करना है यहाँ पे? ठीक है गाइस, तो आज के लिए हमारा जो पार्ट था वो डन हो गया। अगर किसी को नहीं ऐड करना तो फिर यहीं पे स्टॉप करते हैं।